हेलो गाइस, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। आज मैं एक ऐसे घर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि जिसके ऊपर अगर परमाणु बम भी गिरे तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप भी कोई घर बनाने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो देखनी पूरी जरूरी है। तो हम मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। गाइज, जो घर होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सबकी लाइफ में। जब हम घर खरीदते हैं या हम बनाते हैं घर, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज आती है, घर की सुरक्षा कैसे की जाए। बहुत सारे लोग घर की सुरक्षा करने के लिए काफी सारी चीजें करते हैं और उसको सुरक्षित बनाते हैं, और उसके लिए काफी ज्यादा टेंशन भी लेते हैं कि हमारा घर सुरक्षित हो, और लोग खुश भी होते हैं क्योंकि उनका अपना घर है। और अपना घर बनाने से या खरीदने से सबसे पहले अगर वो सुरक्षा करेंगे तो उनका घर और उनकी फैमिली ही सुरक्षित रहेगी। उसी तरीके से हमारे सामने एक ऐसा घर आया जो दुनिया का सबसे सुरक्षित घर माना गया है, और अगर इसके ऊपर परमाणु बम भी गिर जाए तो भी उस घर को कोई नुकसान नहीं होगा। पोलैंड के एक शख्स ने सोचा कि उसको सबसे मजबूत घर चाहिए, मजबूत घर बनाना है, तो उसने वहीं की जो सबसे फेमस कंपनी है KWK आर्किटेक्ट कंपनी है, तो उनको उसने कांटेक्ट किया और वहां की टीम को वहां पर बुलाया अपने घर के पास, और वहां पर उसने मीटिंग की। मीटिंग करते हुए उसने वो कंपनी की टीम को बताया कि मुझे सबसे सुरक्षित घर चाहिए। तब उन्होंने इस चीज को, इस बात को अपने एक टास्क के जैसा लिया और उन्होंने ऐसा घर तैयार कर दिया कि देखने में, अगर आप उस घर को देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा भी कोई घर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही टास्क लिया था। और उसी तरीके से इसको एक, इस घर को एक अवार्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि इस घर को सबसे सुरक्षित घर माना जाता है। वहाँ की कंपनी KWK ने जब इस घर को एक टास्क के जैसा लिया, तब उन्होंने उस शख्स से जब बात की थी, उस शख्स ने ये चीज़ बोली थी कि मुझे सुरक्षित घर चाहिए, तब उन्होंने उसके सोच के मुताबिक से भी ज़्यादा सुरक्षित घर बना के दिया। अगर मैं आपको इस घर के बारे में बताऊं तो इस घर की जो दीवारें हैं कॉन्क्रीट से बनी हुई हैं, और एक रिमोट से वो दीवारें, जब इसको बंद करना होता तब वो एक रिमोट को दबाने से वो कॉन्क्रीट की दीवारें सामने आ जाती है और इस घर को प्रॉपरली कवर कर देती है। और अगर उनका मानना यह है कि अगर परमाणु बम भी इसके ऊपर गिरे तो भी इस घर का कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस घर के बाहर और भी काफी ज्यादा चीजें हैं। इस घर के बाहर एक स्विमिंग पूल है, पर स्विमिंग पूल के ऊपर कोई भी चीजें कवर नहीं की गई है, और इसके घर के पास में ही एक पूल है। अगर घर के अंदर कोई जाना चाहता तो वैसे कोई नहीं जा सकता, सिर्फ मकान मालिक ही है उस पूल पे जा सकता है, उस घर के अंदर जा सकता है। उसकी परमिशन के बगैर कोई भी इसके पास भी नहीं जा सकता, कोई इसके अंदर भी घुस नहीं सकता। ये जो घर है, जितना ये मजबूत है उतना ही अंदर से ये खूबसूरत है। वहाँ के आर्किटेक्ट ने बताया है कि इसके साथ कंक्रीट की दीवारें तो मजबूत है ही, जो हमने मेटल के शटर्स लगाए हैं और भी इसको मजबूत बनाते हैं, और अगर परमाणु बम भी आए तो भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इस घर को कोई भी उखाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सो गाइज, अगर आप भी कोई ऐसा घर बनाए हो जो बहुत ही सुरक्षित है, जिसमें रह के आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आपने दिल जान से वो घर बनाया है, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कितना टाइम लगा, क्या क्या चीजें की आपने उसको सुरक्षित बनाने के लिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा उसके बारे में जान के और आपको बता के भी उसके बारे में अच्छा लगेगा। और अगर आज की न्यूज आपको अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते एक लाइक करते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।